जम्मू कश्मीर पुलिस ने शनिवार को एक टेरर हवाला रैकेट का खुलासा किया और इससे जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि ये सभी आतंकवादी तस्कर ए तोयबा के हैं। जम्मू कश्मीर के आईजी मुकेश सिंह ने कहा कि जम्मू में सेना को एक टेरर नेटवर्क के बारे में इनपुट मिला था। सिंह ने बताया कि 12.5 लाख का लेन देन अब तक इन आतंकवादियों के द्वारा किया जा चुका है, जिसे अटारी बॉर्डर के जरिए लाया गया था। ये आतंकवादी आपस में बात करने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, अगला अपडेट आर्मी को लेकर है। शुक्रवार को सूत्रों ने कहा कि चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद को देखते हुए भारतीय सेना अब उन्नत तकनीकों का प्रयोग करने वाली है। भारतीय सेना अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माइक्रो सैटेलाइट, लेजर रोबोटिक्स जैसे भविष्य के हथियारों पर काम कर रही है। चीन पहले से ही भविष्य के हथियारों पर काम कर रहा है, जो भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। भारतीय सेना भविष्य के युद्धों को लड़ने पर जोर दे रही है, जिसमें साइबर वारफेयर क्षमता भी शामिल है। भारत स्वयं ड्रोन पर कुछ काम कर चुका है, जो दुश्मन देशों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, अगला अपडेट भारतीय सीमा अधिकारियों को लेकर है। भारतीय सीमा अधिकारियों ने 740 टन अमोनियम नाइट्रेट के साथ एक कंटेनर को जब्त किया, जो इस सप्ताह लेबनान की राजधानी में घातक विस्फोट का कारण बना था। भारतीय बंदरगाह चेन्नई में सीमा अधिकारियों ने कहा कि रसायन की एक बड़ी खेप शहर से लगभग 20 किमी दूर एक साइट पर रखी गई थी। अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग खाद और विस्फोटक बनाने में किया जाता है और बाद में इसका प्रयोग खदान उद्योग में किया जाता है। सीमा अधिकारियों ने कहा कि यह खेप 2015 में तमिलनाडु राज्य में स्थित कंपनी अमन केमिकल द्वारा आयात की गई थी और आयात नियमों के उल्लंघन के कारण जब्त कर ली गई थी। अधिकारियों ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस दिया है और मामला दर्ज कर लिया है। दोस्तों, अगला अपडेट भारत और चीन को लेकर है। डेपसांग क्षेत्र में तनाव कम करने की योजना पर भारत और चीन के बीच शनिवार को एक बैठक की गई। सूत्रों के अनुसार भारत का नेतृत्व मेजर जनरल अभिजीत ने किया। सूत्रों ने कहा कि बैठक का एजेंडा देपसांग में तनाव कम करना था, जहां दोनों देशों ने अपने सैनिकों को तैनात कर रखा है। आपको बता दें कि चीन ने 15,000 से अधिक सैनिकों को देपसांग में तैनात कर रखा है। वही भारत ने भी सैनिकों की तैनाती की है, जिसमें एक बख्तरबंद ब्रिगेड भी शामिल है। इस बैठक में भारत ने कहा कि चीन इस क्षेत्र से अपने सैनिकों को पीछे हटाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।